हेलो बच्चों, आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। आज से हम लोग नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर हिंदी मीडियम। तो अगर हम बात करें कि नए बैच के अंदर, 11th के अंदर और टारगेट बैच के अंदर, शुरुआत के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो शुरुआत के अंदर जो अपने पास है बेसिक मैथमेटिक्स नाम से चैप्टर होता है, टारगेट वालों को तो पता होगा, 11th वाले जो हैं वो ज़रा ध्यान से सुन लें कि अपने पास बेसिक मैथमेटिकल नाम से एक शुरुआत के अंदर चैप्टर होता है जो कई लोग नहीं पढ़ाते हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जो हम पढ़ के आए हैं अभी तक, 10th तक जो पढ़ के आए हैं, वो सारा का सारा हमें याद है, एकदम कंठस्थ है। अगर सारा का सारा हमें याद है तो वो आगे लेके उसे चलते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो 10th तक आप लोग मैथ का जो पोर्शन यूज करते हुए आए हो, उसका थोड़ा बहुत भी पार्ट जो है वो अगर आपके दिमाग से आउट हुआ हुआ है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने फिजिक्स के अंदर यूजेबल है और वो चीज़ जो है वो आप भूल गए हो, तो आगे के जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उन चैप्टर के अंदर आप ये नहीं पता कर सकते कि वो वहाँ पर जो यूज करेंगे हम लोग, जो मैथमेटिक्स फॉर्मूला यूज करेंगे या कोई आइडेंटिटी जैसे सर्वसमिका यूज करेंगे, तो कैसे हम वो यूज करें अगर हमें नहीं पता है। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे चैप्टर से जो आपको कंप्लीट फिजिक्स के अंदर काम में आएगा, और इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको हर चैप्टर के अंदर कम से कम एक बार तो ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। फर्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। इसके अंदर हम 10th तक जो हमने चैप्टर पढ़े हैं मैथ के अंदर, उनका नॉर्मल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ऐसे ही चैप्टर की बात करें जो हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो हम बोलते हैं बीजगणित। सबसे पहला जो चैप्टर है आपके पास वो होता है बीजगणित, या फिर मैं इसको बोल दूं अलजेब्रा। ये जो आपके पास टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा यूज आता है। बीजगणित की हम बात करें तो बीजगणित के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि व्यंजक क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि सर्वसमिका जो है वो क्या होती है और कौन कौन सी सर्वसमिकाएँ होती है, हमें पता होनी चाहिए कि समीकरण जो बनती है उस समीकरण कितने प्रकार की बनती है, और कौन कौन से प्रकार का सोल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, या उसके मूल जो है वो किस तरीके से हमें ज्ञात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे बीजगणित के अंदर। दूसरा जो आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर है वो जनरली 10th तक का नहीं है, वो 11th के अंदर और 12th के अंदर आपके पास आता है, लेकिन हम शुरुआत के अंदर पढ़ते हैं क्योंकि हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है उसी के अंदर उसका यूज आ जाता है। उसका नाम बड़ा प्यारा है, उसको हम बोलते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अवकलन बहुत ज़्यादा यूजेबल है। अवकलन क्या होता है ये हम इसी स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थर्ड जो है अवकलन का भाई होता है समाकलन। समाकलन जो है वो बिल्कुल उल्टा होता है डिफरेंशिएशन के, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन बोला जाता है। अपने पास फोर्थ जो चैप्टर है जो हम इस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लघुगुणक। लघुगुणक नाम सुना होगा आपने। लघुगुणक क्या होता है? लघुगुणक होता है लॉगरिथम। लॉगरिथम का मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई वैल्यू आ गई लॉग टू, लॉग थ्री, लॉग फोर, लॉग फाइव, लॉग सिक्स, लॉग हंड्रेड, लॉग थाउजेंड या लॉग 256, तो उसकी वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, उनको कैलकुलेट करने का शॉर्ट मेथड क्या है। एक मेथड तो हम लोग पढ़ते हैं कि आपके 10th की जो बुक है उसके सबसे लास्ट के अंदर एक
पांच छह पेजों की सारणी बनी हुई होती है। हम पहले देखते थे कि लॉग 2.5 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम उस सारणी में से मान देखते थे, मान देखकर लॉग का मान निकालते थे। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अपने को एग्जाम में कोई भी वो सारणी नहीं देगा कि इस सारणी के आधार पर आप लघुगुणक का मान निकाल लो। तो अगर हम पढ़ेंगे लघुगुणक, लघुगुणक के अंदर हम लॉग का मान निकालना सीखेंगे और लॉग के रिलेटिव में जो सर्व समीकाएं होती हैं उनको भी पढ़ेंगे। फिफ्थ जो आपके पास चैप्टर होता है लघुगुणक के बाद में, वो फिफ्थ चैप्टर होता है आपके पास ग्राफ का, कि किस किस प्रकार के ग्राफ बनते हैं। अब आपने टेंथ के अंदर ग्राफ बनाए होंगे, आपने ग्राफ पेपर लिया होगा और उस ग्राफ के पेपर के ऊपर कोई सरल रेखा बनाई हुई होगी, तो वो जो सरल रेखा बन रही है ग्राफ पेपर के ऊपर, वो सरल रेखा को ही बोला जाता है ग्राफ। अगर उसी ग्राफ पेपर के ऊपर कोई आप वृत्त बना दो, तो वो जो वृत्त है वो भी ग्राफ के अंदर ही आता है। कोई आयत बना दो, वो भी ग्राफ के अंदर ही आएगा। यानी जिस तरीके की शेप आप ग्राफ पेपर पर बनाते हो वो ग्राफ के अंदर ही आएगा। तो ग्राफ जो है वो IIT JEE के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि कोई भी ग्राफ जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिना कहे ही बता देता है। केवल हम ग्राफ देखकर भी उस टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो जान सकते हैं। तो अपने पास बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मोटे मोटे ये पाँच टॉपिक हैं जो हमें पढ़ेंगे। इनके अलावा भी हम कई छोटे छोटे टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे, वो पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो बड़े टॉपिक हैं आपके पास वो ये पांच ही हैं आपके पास: बीजगणित, अवकलन, समाकलन, लघुगुणक और ग्राफ। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आपका शुरुआत का दिन है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ये जो आप देख रहे हो, तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। जो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता है हम बात करते हैं बीजगणित की। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बीजगणित के बारे में पढ़ते हैं कि बीजगणित क्या होती है, इसके अंदर व्यंजक क्या होते हैं, सर्व समीका क्या होती है, समीकरण क्या होती है, ये समीकरण कितने प्रकार की होती है और उनको हम सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। तो दिल थाम के बैठिए और देखिए कि हम अलजेब्रा जो है उसको इजीली कैसे समझते हैं। अब ऐसे मत समझना कि मैं कंप्लीट ट्वेल्थ का जो चैप्टर है तुम्हारा या नाइन्थ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट मैं तुम्हें बता दूंगा, कंप्लीट नहीं बता रहे हैं। जितना अपने पास यहाँ पर यूजेबल है केवल वही और इजी वे के अंदर समझेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हम मैथ जैसा भारी भरकम सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स का वेटेज वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें अपने पास फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर है अपने पास अलजेब्रा यानी बीजगणित। अब बीजगणित जो है वो होती क्या है? बीज जो गणित जो है वो ऐसे नहीं बोल सकते कि बीजों की गणित को बीज गणित बोला जाता है, बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। बीज का यहाँ पर मीनिंग है कि आपको कोई समीकरण दे देगा और उसके मूल क्या हैं, और उन मूलों से रिलेटेड जो गणित हम पढ़ते हैं वो होती है आपके पास बीज गणित। तो बीज गणित के अंदर हम पहले जो चीज़ पढ़ेंगे वो सबसे पहली चीज़ और सबसे प्यारी चीज़ें जो होती हैं वो होती है चर राशि। चर राशि इसको इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इसको बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल चर राशि होती क्या है? चर राशि क्या होती है भाई? मैं कहूँगा कि कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जो हमेशा बदलती रहती है, कभी भी उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये फिक्स है। जैसे हम बात करें समय की, मैंने बोल दिया कि मैं 5 बजे को पकड़ कर बैठ जाऊँ कि मैं 5 से ज़्यादा नहीं बजने दूंगा, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बोले 5 से बाद में सेकेंड्स के अंदर समय जो है वो लगातार चलता रहता है। तो जो ऐसी राशियाँ होती हैं जो परिवर्ती होती हैं या निरंतर बदलती रहती हैं, उन राशियों को हम बोलते हैं चर राशि या फिर बोलते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज। तो मैं बोलूँगा ऐसी क्वांटिटी जो रेगुलर चेंज होती रहे, जो रेगुलर चेंज होती रहे वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेरिएबल होती है। तो चर राशि कौन सी होगी? वे राशियाँ जो नियत ना हो, जो नियत ना हो या
निरंतर बदलती रहें, निरंतर बदलती रहें, या जिनका मान निरंतर बदलता रहे, वे राशियां चर राशियां कहलाती हैं, वे राशियां चर राशियां कहलाती हैं। अब अगर हम एक उदाहरण देखें कि चर राशि कौन सी, तो जैसे हमने बताया कि समय जो है वो कैसी राशि है, समय जो है वो चर राशि है, वो क्या है, वेरिएबल है, बदलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें समय ना दे, तो अगर हम बात करते हैं अलजेब्रिक के अंदर, बीजगणित के अंदर, तो हम जो है वो चर राशियों को एक्स से, वाई से, जेड से डिनोट करते हैं। चर राशियां जो होती है, ऐसी राशियां जो बदलती रहे, बदल दे ना, सॉरी, जो निरंतर बदलती रहें, जिनका मान नियत ना हो, ऐसी राशियां जो है उनको हम बीजगणित के अंदर, मैथ के अंदर किससे डिनोट करते हैं, एक्स, वाई और जेड से डिनोट करते हैं। अब दूसरी जो आपके पास राशि होती है वो होती है अचर राशि। अचर राशि का मतलब, जैसे नाम के आगे पहले चर था, तो चर के आगे क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ए लगाते ही ये बिल्कुल उल्टा हो गया। बिल्कुल उल्टा क्या हो गया कि वे राशियां जो नियत हों, जो नियत हों या परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, वे राशियां अचर राशि कहलाती है, वे राशियां अचर राशि कहलाती है। अब अगर हम बात करें ऐसी कौन सी राशि आपको पता है जो बदले ना, कभी भी ना बदले, चाहे मैं उसे कितने भी साल रखूं, तो मैं अगर बात करूं कि संख्याएं जो होती है आपके पास, वो संख्याएं अचर राशियों का उदाहरण होती हैं। जैसे मैं बोल दूं 1, 2, 2.5, 5.5, ये सारी जो क्वांटिटियां होती हैं आपके पास, वो कौन सी होती है, अचर राशि होती है। या फिर अचर राशियों को हम कई बार ए, बी, सी, डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसे बताना पड़ेगा कि जो ये ए, बी, सी हम लोग लिख रहे हैं, ये कैसी राशियाँ हैं, ये अचर राशियाँ हैं। यानी मैं बोल सकता हूँ अचर राशि, यानी मैं क्या लिखूंगा इसको, कांस्टेंट, यानी जो समय के सापेक्ष परिवर्तित ना हो, या जो नियत रहे, जो कभी भी बदले ना, वो क्या, कौन सी राशियां होती हैं, अचर राशियां होती हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें बीजगणित की, तो बीजगणित के लिए ही हमने चर और अचर राशियों को देखा है। तो बीजगणित क्या होती है, बीजगणित के अंदर हम चर और अचर राशियों के बीच में संबंध को देखते हैं, और इन दोनों को मिलाकर जो है वो हम व्यंजक भी बना सकते हैं, हम सर्वसमिका भी बना सकते हैं, और हम समीकरण भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें चर और अचर राशियों को, दोनों को जो है वो मिलाना पड़ेगा। तो अगर हम बीजगणित के अंदर बात करें, तो बीजगणित के अंदर सबसे पहली जो बात आती है अपने पास, वो बात आती है व्यंजक की। किसकी बात आती है, व्यंजक की, यानी मैं बोल दूं एक्सप्रेशन की। व्यंजक या एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, तो व्यंजक या एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँ कि चर राशि और अचर राशि के अंदर जो संबंध होता है, चर और अचर राशियों के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को हम बोलते हैं व्यंजक। और वो जो संबंध है चर और अचर राशियों के बीच में, वो किसी से भी हो सकता है, जैसे जोड़ करने पर हो सकता है, या फिर गुणा करने पर हो सकता है, भाग देने पर हो सकता है, या फिर घटाने पर, दोनों के बीच में संबंध बन सकता है। तो जो संबंध आपको मिलेगा चर और अचर राशियों के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोल सकते हैं। यानी मैं इसके अंदर क्या लिखूं, मैं इसके अंदर बोलूंगा अचर व चर राशियों में संबंध
दर्शाने वाला पद या पदों को व्यंजक कहा जाता है, व्यंजक कहा जाता है। चर व अचर राशियों में संबंध दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है? व्यंजक कहा जाता है। अब ये जो यहाँ पर संबंध हम लिख रहे हैं, ये संबंध कैसे बन सकते हैं? तो मैं कहूँगा संबंध जो है वो आप कोई भी दो अचर हैं या चर और अचर हैं या कोई भी दो चर हैं तो उन दोनों को आप जोड़ सकते हो तो जोड़ने पर जो संबंध बने, या फिर आप उन दोनों को घटा दो तो भी संबंध बन सकता है, या दोनों को गुणा कर दो तो भी संबंध बन सकता है, या फिर एक से दूसरे को भाग दे दो तो भी संबंध बन सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण के तौर पर मैं लिखूं, तो जैसे आपके पास कोई x जो है वो क्या है, वो वेरिएबल है, आपके पास चर राशि है, और ये जो चर राशि है मैंने इसके आगे लगा दिया अचर राशि, ठीक है, दो, तो दो एक्स जो बना वो बना व्यंजक। इस दो एक्स को क्या बोल सकते हैं हम? व्यंजक बोल सकते हैं। या फिर मैं लिख दूं चार एक्स स्क्वायर, तो चार एक्स स्क्वायर जो है वो भी क्या है? एक व्यंजक है। या फिर मैं बोल दूं एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस टू, तो ये जो है आपके पास जो बना वो भी क्या बना? एक व्यंजक ही बना है। ये तीन पदों का आपके पास व्यंजक है। अगर मैं बोल दूं चार एक्स की घात चार प्लस छः, तो ये जो बना आपके पास ये भी क्या बन रहा है? एक व्यंजक बन रहा है। या फिर मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर बटे वाई, ये भी क्या बनेगा? एक व्यंजक ही बोला जाएगा या व्यंजक ही बनेगा। या फिर मैं बोल दूं एक्स क्यूब इंटू में वाई, तो ये जो है वो भी एक व्यंजक ही बन रहा है। यानी आप चर और अचर राशियों के बीच में संबंध को दर्शा रहे हो और वो संबंध जो है वो जोड़ घटा बना रहे हो। इन संबंधों के द्वारा जो व्यंजक जो अपने पास पद बनेंगे या जो पदों का योग बनेगा या बहुत सारे पद बनेंगे उन्हें सब हम क्या बोलेंगे? व्यंजक बोला जाएगा। अब ये जो व्यंजक हैं वो अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। जैसे हम बोल दें एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक या बहुपदीय व्यंजक, तो व्यंजक जो है वो अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। अब उससे पहले अगर हम देखें कि कोई भी आपके पास ऐसे ये व्यंजक दिया हुआ है, जैसे मेरे को बोल दिया फोर एक्स प्लस थ्री, 4x प्लस 3, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो मैं कहूँगा x जो है वो x आपके पास कौन सी राशि है? x एक चर राशि है। इस व्यंजक की हम बात करें तो व्यंजक जो है वो किन किन से बनकर बना मिलकर बना हुआ होता है? तो x जो है वो कैसी राशि है? चर राशि। 4 की बात करेंगे तो 4 जो है वो कौन सी राशि है आपके पास? अचर राशि है। तो चर व अचर राशियों का गुणा हो गया यहाँ पर। और इस 3 की बात करूँ तो ये 3 जो है वो भी कैसी राशि है? अचर राशि है। तो यहां पर भी योग हो रहा है, तो ये क्या बन गया आपके पास? व्यंजक बन गया। इस 4 को मैं और भी कुछ बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? गुणक बोल सकता हूं कि x जो आपके पास है उसका गुणक कितना है? 4 है। यानी x या y या z या कुछ भी आपको चर राशि दी हुई हो उसके गुणा में जो राशि है उसको क्या बोला जाता है? गुणक बोला जाता है। अब अगर हम बात करें इसके प्रकार की, तो व्यंजक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजक जो है वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? नोट डाउन करते जाइए आप साथ साथ। चलिए हम देखते हैं व्यंजक के प्रकार कि व्यंजक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं व्यंजक के प्रकार, तो व्यंजक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला प्रकार होता है
एक पदीय व्यंजक, पदों के आधार पर हम प्रकार देख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक जो है वो कौन से होंगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि जिस व्यंजक के अंदर केवल एक पद है वो व्यंजक कौन सा हो जाएगा, एक पदीय व्यंजक। यानी मैं केवल ये लिख लूं कि केवल एक ही पद हो उसके अंदर, तो एक ही पद वाला जो व्यंजक है वो बोला जाएगा एक विमीय, सॉरी एक पदीय व्यंजक। जैसे हम बात करें आपके पास 4x2, या फिर बोल दें x2, या बोल दें y3, या बोल दें 4z3, या ये सब जो हैं, ये सब कैसे हैं, इनके अंदर पदों की संख्या जो है वो एक है, केवल एक ही पद है, तो एक ही पद होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक पदीय व्यंजक। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक कौन से होते हैं, जिसमें केवल दो ही पद हों, केवल दो पद हों, वह व्यंजक कहलाता है द्विपदीय व्यंजक। जैसे मैंने लिख दिया x2+1, तो मैं कहूँगा एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तो यहाँ पर बोलूँगा कि ये द्विपदीय व्यंजक है। या मैंने लिख दिया x2+y2, तो इसकी बात करूँगा तो ये भी कौन सा है, द्विपदीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है, दो है। अगर मैं बोलूँ x+y3, तो ये जो है आपके पास वो भी कौन सा व्यंजक है, द्विपदीय है। अब अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो 2x3+y, ये भी क्या है, एक द्विपदीय व्यंजक है। तो द्विपदीय व्यंजक कौन सा, जिसके अंदर दो पद हों। अब अगर दो एक से ज़्यादा पद किसी के अंदर हैं व्यंजक के अंदर, तो थर्ड हम काम में लेते हैं, कि ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि केवल दो पद हो तो द्विपदीय व्यंजक, तीन पद हो तो त्रिपदीय व्यंजक। तो इस तरीके से अगर हम एक से ज़्यादा पद हो किसी भी व्यंजक के अंदर, तो उसको बोल सकते हैं सीधा बहुपदीय व्यंजक। तो थर्ड जो अपने पास है ये होता है बहुपदीय व्यंजक। बहुपदीय व्यंजक का मीनिंग क्या हो गया, बहुपदीय व्यंजक का मीनिंग हो गया ऐसे व्यंजक जिनमें एक से अधिक पद हों, एक से अधिक पद हों, वो व्यंजक बहुपदीय व्यंजक कहलाते हैं, वो व्यंजक बहुपदीय व्यंजक कहलाते हैं। एक से ज़्यादा पद का मीनिंग, जैसे मैंने लिख दिया कोई भी x3+3x2+x+4y3+6x2, तो यहाँ पर 6x4, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये सारे के सारे जो पद हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं और एक से अधिक पद हैं, तो एक से अधिक पद होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपदीय व्यंजक बोलते हैं। तो अगर किसी भी व्यंजक के अंदर एक पद है तो उसे एक पदीय व्यंजक बोला जाएगा, अगर दो पद हैं तो द्विपदीय व्यंजक बोल सकता हूँ, या उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, बहुपदीय व्यंजक बोल सकता हूँ। अब व्यंजक जो है इसके आधार पर या इसके बेसिस पर हम कई तरीके की कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले जो हैं वो ध्यान में रखते हैं, और इन फॉर्मूले को ही बोला जाता है सर्व समीकरण। यानी कुछ ऐसे बीजगणित के अंदर उपयोग में आने वाली कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं या कुछ ऐसे व्यंजक होते हैं जिनको हम डायरेक्ट ध्यान में रखते हैं अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए। तो ऐसे व्यंजक जिन्हें हम डायरेक्ट ध्यान में रखते हैं उनको बोला जाता है बीजगणित के अंदर सर्व समीकरण। तो उन सर्व समीकरणों की हम बात करेंगे, कुछ सर्व समीकरण ऐसी हैं जिन्हें आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, और उनमें कुछ सर्व समीकरण ऐसी है जो आपको याद भी होगी। तो कौन कौन सी सर्व समीकरण जो हैं वो होती हैं, आपको याद है, जरा बताइए कौन कौन सी सर्व समीकरण जो हैं वो होती हैं, नहीं बता रहे हो आप लोग, अच्छा नहीं बताओगे, चलो मैं ही बता देता हूँ।
हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सर्वसमीकाओं की। सर्वसमीकाएं, मैंने आइडिया लगा लिया कि आपको कौन सी सर्वसमीका जो है वो याद होगी। तो सबसे पहली बात करें, जैसे हम बोल दें आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो याद आ रहा होगा, अरे सर यही तो था जो हमें याद है, क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कहीं पर a प्लस बी लिखा हुआ उसका स्क्वायर हो तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बोली जाती है सर्वसमीका। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड मैं बोलूँगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस सर्वसमीका की वैल्यू कितनी होती है, मैं लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर हम थर्ड सर्वसमीका की बात करें तो थर्ड सर्वसमीका जो है वो अपने पास क्या होती है, तो मैं बोलूँगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, तो ये भी अपने पास एक सर्वसमीका होती है। अगर हम फोर्थ सर्वसमीका की बात करें तो फोर्थ सर्वसमीका जो आपको याद है वो बताइए जरा क्या होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एक सर्वसमीका हो x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, तो x प्लस ए और x प्लस बी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो x प्लस ए को मल्टीप्लाई करो x प्लस बी के साथ तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स, अगर मैं a को x से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं x को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी एक्स, तो मैं लिख दूंगा नेक्स्ट पद आएगा आपके पास a प्लस बी एक्स और लास्ट वाला पद क्या आएगा आपके पास प्लस ए बी, तो ये जो सर्वसमीका है इसकी वैल्यू भी आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं बात करूं फिफ्थ सर्वसमीका आपके पास हो x प्लस ए एक्स माइनस बी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है वो मैं कितनी लिखूंगा, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ये इस सर्वसमीका की वैल्यू जो है वो हो जाएगी। अब अगर आपको कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो दिया हुआ हो तो हम सीधा लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये वैल्यू ए प्लस बी स्क्वायर बी के होल स्क्वायर के व्यंजक की हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर अपने पास तीन पद आ जाए, जैसे मैं बोल दूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है अपने पास, मैं बोलूँगा वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू एक्स जेड, ये इस सर्वसमीका की वैल्यू होती है। ये वही सर्वसमीकाएं मैं बता रहा हूँ आपको जिनका आपको यूज जो है वो आगे मिलेगा। तो अगर इन सर्वसमीकाओं की मैं बात करूँ तो देखो, अगर आपके पास x और y है और कोई एक्स्ट्रा टर्म जेड भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जो है वो हम किस सर्वसमीका के रूप में जो है वो लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास हो और इसको आपको एक अननोन टर्म है जेड, अननोन पद है जेड, उसके पदों में लिखना है, तो अननोन पद अगर जेड है तो जेड के पदों में मैं क्या लिख सकता हूँ इस समीकरण को, तो जेड के पदों में जो है वो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर जेड मैं इसके अंदर जोड़ूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो मिलना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोल दूँगा इसको वन बाई टू
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, देखो क्या बना। मैं बोलूँगा ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फोर एक्स वाई बनेगा, टू से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, बाकी सारी की सारी जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या अपने पास मैं बोलूँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है अपने पास होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बने, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बने, तो हम कहेंगे जो वैल्यू आएगी अपने पास वो कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास सेवन सर्व समीका हैं, सात सर्व समीका हैं जिनको आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। इनमें से ये जो तीन सर्व समीकाएं हैं आपके पास, ये तो आपको हर टाइम याद होनी चाहिए और याद होंगी भी, मैं जैसी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ये आपको याद होंगी भी, अगर नहीं है तो भी हमें याद करनी है। चलिए छाप लिया, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड जो अपने पास इसके अंदर है, समीकरण। समीकरण क्या होती है, समीकरण होती है अगर आप अचर और चर राशियों के बीच में संबंध दर्शा रहे हो और आपने इक्वल टू का साइन जो है वो यूज के अंदर ले लिया, तो वो जो व्यंजक है वही क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगी। जैसे आपके पास कोई भी व्यंजक है, मैं बात करूं कि आपके पास एक व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, ये एक द्विपदीय व्यंजक है, लेकिन मैं अगर बोल दूं इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो व्यंजक है वो क्या बन गया, ये व्यंजक बन गया आपके पास समीकरण। अगर आपके पास कोई व्यंजक है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, तो जब तक मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाता तब तक तो ये व्यंजक है, लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो कर दूँ तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, समीकरण बन जाएगी। बीजगणित के अंदर जो समीकरण होती है वो कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन हम मेनली जो है वो दो प्रकार की समीकरण को पढ़ते हैं क्योंकि वही अपने यूज के अंदर आती है। तो समीकरण का ध्यान में रखेंगे कि कोई भी व्यंजक जो है वो समीकरण बन जाता है कब, जब मैं इक्वल टू का साइन उसके अंदर ऐड कर देता हूं। तो जो समीकरण होती है अपने पास वो समीकरण अलग अलग प्रकार की होती है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं समीकरण के प्रकार। तो समीकरण के प्रकार की मैं बात करूं तो हम पदों की घात के आधार पर समीकरण को पदों अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। जैसे फर्स्ट की मैं बात करूं तो फर्स्ट मैं बोलूंगा एक घातीय या रैखिक समीकरण, जो आप पढ़ के आए हो, एक घातीय या रैखिक समीकरण। एक घातीय या रैखिक समीकरण कौन सी होती है, वैसी समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो, ऐसी समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो, वे समीकरण रैखिक समीकरण कहलाती हैं, वे समीकरण रैखिक समीकरण कहलाती हैं जिनमें घात कितनी हो चर राशि की, एक हो। जैसे जैसे मैं बोल दूं x प्लस टू इक्वल टू जीरो,
ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है। क्यों, कैसे पता चला, सपना थोड़ी ना आया। बोले ये देखो x की घात कुछ नहीं, मतलब घात कितनी है, एक, और घात एक है यानी ये बन गई आपके पास एक घातीय या रैखिक समीकरण। मैं बोल दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, तो ये भी कौन सी समीकरण बन गई, बोले घात देखेंगे, x चर है, y चर है और दो जो है वो अचर है। तो x अगर चर है तो इसकी अधिकतम घात कुछ नहीं मतलब एक, y की अधिकतम घात कुछ नहीं मतलब एक, तो अधिकतम घात कितनी है चर राशियों की, एक घात है अधिकतम। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ये जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण कहलाती है। मैंने लिख दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो समीकरण है वो भी कौन सी समीकरण है, एक घातीय या रैखिक समीकरण है, क्योंकि x यहाँ पर चर राशि है, y चर राशि है। तो x की अधिकतम घात देखूंगा तो एक है, y की अधिकतम घात देखूं तो वो भी कितनी है, एक ही है। तो ये जो समीकरण बन रही है आपके पास ये कैसी समीकरण है, एक घातीय या रैखिक समीकरण है। अब हम बात करें प्रकार के आधार पर, बाद में देखेंगे कि हम एक घातीय समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, तो अभी हम समीकरण के प्रकार ही पढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि एक घातीय का मीनिंग क्या था, चर राशि की अधिकतम घात एक। तो द्विघात समीकरण का मीनिंग क्या है, ऐसी समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो, तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण कहलाती है यानी जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो। अब चर राशि की अधिकतम घात दो हो तो मैं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर x और ये x दोनों ही अचर राशि हैं, दोनों ही अचर राशि हैं लेकिन पद अलग अलग हैं। यहाँ पर x जो है इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो, यहाँ पर x की घात कितनी है, एक। तो इस पूरी समीकरण के अंदर x की अधिकतम घात कितनी है, दो है। तो अधिकतम घात अगर दो है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। या फिर मैं बोल दूँ वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो ये जो है समीकरण इसमें मैं बोलूँगा y जो है वो चर राशि है, 3 जो है वो अचर राशि है। तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी, तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो अधिकतम घात 2 है। तो ये जो समीकरण है ये भी आपके पास कौन सी समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो ये जो समीकरण है वो भी देखेंगे। मैं बोलूँगा y जो है वो चर राशि है, तो चर राशि की यहाँ पर घात कुछ नहीं मतलब एक घात, यहाँ पर y की घात दो है, तो y की यानी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है पूरी समीकरण के अंदर, दो है। तो अधिकतम घात अगर दो है तो वो समीकरण कौन सी समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। तो आपको समीकरण को देखते ही पता करना है कि वो समीकरण जो है वो एक घातीय है या वो जो समीकरण है वो द्विघातीय है, क्योंकि इसी के आधार जो इनके हल जो हैं वो ज्ञात करेंगे कि समीकरण अगर एक घातीय है तो उनके जो हल हैं जिन्हें हम मूल कहते हैं वो किस प्रकार के होंगे, कैसे हम उन्हें निकालेंगे। अगर द्विघात समीकरण है तो उनके मूल हैं या उनके जो हल हैं उन्हें हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, हम समीकरण के प्रकार ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक घातीय रैखिक समीकरण जो अपने पास है उसके हम लोग सॉल्यूशन जो हैं, हल जो हैं वो किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं उनको सोल्व करने के लिए, और द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए वो कौन सा पागल सा साइंटिस्ट था जिसका नाम हम लोग लेकर उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए, थैंक यू।